किसी किसी बहन को पीरियड ठीक से नहीं होता है, तो दस मूल क्वात, दस मूल अरिष्ट भी होता है और दस मूल क्वात भी होता है, तो दस मूल अरिष्ट भी पी सकते हैं, उसी पीरियड एकदम साफ हो जाता है। किसी को रुक रुक के होता है, किसी को ज्यादा होता है, कम ज्यादा पीरियड होता हो तो दस मूल अरिष्ट। यदि ब्लीडिंग ज्यादा होती हो तो एलोवेरा पियो, सबसे अच्छा होता है नाग केसर। नाग केसर एक थोड़ा केसरिया रंग का एक बीज सा होता है, फूल जैसा होता है वो, उसका पाउडर करके 1-2 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लो, छाछ के साथ ले लो। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, ये ओवर ब्लीडिंग करीब करीब 90% लेडीज की प्रॉब्लम है। पीरियड के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, छोटी सी बात है। नाग केसर एक सामान्य औषधि है, इतनी सस्ती है, 50-1 रुपए में इलाज हो जाता है। 50 रुपए तो डॉक्टर की भी फीस नहीं होती आजकल, 500-500 रुपए लेते हैं। नाग केसर से ओवर ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। अब मैं ब्लीडिंग की बात कर, अब एक एक चीज को बताता जाऊंगा। अगली बात, ये जो नारियल का दाढ़ी होता है ना ऊपर का, उसको राख बना लेते हैं नारियल के खोपरे के ऊपर जो होता है दाढ़ी, उसके ऊपर उसका राख बना के 1-2 ग्राम छाछ में पी लो, ब्लीडिंग खत्म विद इन 2 डेज। किसी को तो पहली खुराक से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अभी औषधि है, जैसे कहते हैं ना, पहले बाबा जी धोने की राख दे देते थे और बभूत से सारे रोग मिट जाते थे, ये बाबा जी के धोने की बभूत है। नारियल के ऊपर का जो दाढ़ी होता है उसको जला के राख बना के 2 ग्राम छाछ के साथ पी लो, ओवर ब्लीडिंग खत्म। अगली बात सुन लो, मैं आपको 5-7 उपाय बता रहा हूं। नागकेसर बताया, नारियल की दाढ़ी बताई, दस मूल अरिष्ट बताया, और अगली सुन लो, एलोवेरा भी बताया। एलोवेरा से भी बहुतों का ठीक हो जाता है। एलोवेरा तो महावारी के लिए, लेडीज को सबको पीना चाहिए एलोवेरा। ये महावारी की कोई भी दिक्कत है, मंथली की कोई भी प्रॉब्लम है, ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन के प्रॉब्लम्स, स्किन पे खिंचाव होता है, फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एलोवेरा पीने में और एलोवेरा जेल लगाने में। माताएं बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगाओ, आप परम सुंदरी दिखोगी, इतनी अच्छी चीज है। शीशम के पत्ते, शीशम जानते हो ना, झाड़ होता है शीशम, उसका फर्नीचर भी बनता है, गोल गोल पत्ते होते हैं शीशम। शीशम के झाड़ के पत्ते, ये 99%, बल्कि मैंने तो ये देखा, मैंने जिसको भी बताया, हजारों माँ बहन बेटियों को मैंने ये उपाय बताया, शीशम के पत्ते को पीस के और इसमें थोड़ा पानी मिला दो, ऐसे थोड़ा मिलाना हो तो शाकरकणी मिश्री बोलते हैं ना, वो उसमें मिला दो, पी लो, मानी ओवर ब्लीडिंग खत्म।